नमस्कार, मैं हूं शिल्पा। देख रहे हैं जी बिजनेस की एक खास पेशकश। कंप्यूटर ने बैंक्स में लगने वाली लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा दिला दिया और अब मोबाइल ने ग्राहकों को बैंक तक जाने की भी जरूरत खत्म कर दी है। यानी बैंकिंग अब लोगों की उंगलियों पर आ गया है और अब एक ऐसी सुविधा शुरू हुई है जो फंड ट्रांसफर और पेमेंट को और भी आसान बना देगा। ग्राहकों के लिए ये भी सुविधा होगी कि उन्हें अपना 12 से 15 डिजिट वाला बैंक अकाउंट नंबर भी याद रखने की जरूरत नहीं होगी। क्या है पूरा सिस्टम और कैसे काम करेगा, इस खास शो में हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता तरुण भी हैं मुंबई से और प्रशांत माली साइबर लॉ एक्सपर्ट भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बदलेगा बैंकिंग का तरीका। एक प्लेटफॉर्म पर 21 बैंक, बिना अकाउंट नंबर ट्रांसफर होगी रकम। जी हाँ, देश में बैंकिंग की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट में बड़ा बदलाव लाने वाले यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत हो गई है। UPI से पैसे को भेजना और रिसीव करना ईमेल और SMS भेजने की तरह आसान हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर 21 बैंक आ गए हैं। इनमें सरकारी के साथ साथ प्राइवेट और कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं। एक प्लेटफॉर्म पर आने से अलग अलग बैंकों के बीच फंड ट्रांसफर रियल टाइम में हो सकेगा। खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर पेमेंट करने के साथ ही पैसे मंगाने की भी सुविधा होगी। फंड ट्रांसफर के अलावा इस प्लेटफॉर्म पर मर्चेंट पेमेंट की सर्विसेज भी होंगी, यानी फोन बिल, बिजली बिल, स्कूल फीस या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। मोबाइल वॉलेट की तरह बार बार रिचार्ज नहीं करना होगा। किसी ने आपका पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एप्लीकेशन ओपन करके आपको सिर्फ OTP देना है या स्टैटिक पासवर्ड देना है। ये जो इमीडिएट कलेक्ट, आसानी से आप पैसा किसी को दे सकते हैं। कोई एक कलेक्ट कर सकता है और कोई एक भेज सकता है। UPI में फंड ट्रांसफर वर्चुअल एड्रेस से होता है। वर्चुअल एड्रेस होने से खाता नंबर साझा नहीं करना पड़ता। UPI पर ग्राहक को ईमेल की तरह ID बनानी होती है, जो उसका वर्चुअल एड्रेस होगा। ट्रांजैक्शन के समय ग्राहक को सिर्फ वर्चुअल एड्रेस देना होगा। आप टैक्सी से यात्रा खत्म करके ड्राइवर को पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ड्राइवर को अपना वर्चुअल एड्रेस बताएंगे और कैब ड्राइवर आपके वर्चुअल एड्रेस से पैसे की डिमांड करेगा। UPI सिस्टम आपके मोबाइल पर SMS के जरिए आपकी अनुमति मांगेगा और आपको मोबाइल के जरिए अनुमति देनी होगी। जैसे ही आप मोबाइल पर पासवर्ड एंटर करेंगे, पेमेंट हो जाएगी। खास बात है कि इसमें आपके बैंक डिटेल्स ना तो कैब ड्राइवर के पास जाएगी और ना ही कैब एग्रीगेटर के पास। ये सर्विस रियल टाइम में 24 घंटे काम करेगी। इफ आई वॉन्ट टू ट्रांसफर मनी टू यू फॉर एग्जाम्पल, एज लॉन्ग एज आई हैव योर मोबाइल नंबर, I can transfer the money. I pick you from my contacts list and I can transfer money. And what happens is that at the back end, there is what is called a universal mapper, which maps your mobile number with your bank account number in any bank. नया सिस्टम मौजूदा इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम यानी IMPS का ही नया अवतार है। IMPS में सिर्फ फंड ट्रांसफर की सुविधा है, लेकिन UPI में इसके साथ ही पैसे मंगाने और मर्चेंट पेमेंट को भी जोड़ा गया है। तरुण शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। तो चलिए, कितना आसान अब हो जाएगा ट्रांजैक्शन करना और बैंकिंग सिस्टम की तस्वीर कैसे बदलेगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आंकड़ों के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कंज्यूमर ट्रांजैक्शन में कितना कैश कहां इस्तेमाल होता है। इंडिया में इसकी जो परसेंटेज में देखी जाए फिगर, तो वो है 98%, यानी कि इंडिया में ये सबसे ज्यादा फिलहाल बताया जा रहा है। और चाइना में 90% है कंज्यूमर ट्रांजैक्शन में। ऑस्ट्रेलिया में 65% इसका इस्तेमाल किया जाता है। US में 55% है और ब्रिटेन में 48%। तो कंज्यूमर ट्रांजैक्शन में कितना कैश, यानी कि जो भारत है उसमें सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तरुण है हमारे साथ, खास मेहमान भी है। तरुण, ये बताइए, अब UPI टेक्निक के जरिए किस तरीके से ट्रांजैक्शन आसान हो जाएगी? बिल्कुल शिल्पा, मैं बताना चाहूँगा कि UPI के बाद ये जो ट्रांजेक्शन है काफ़ी आसान हो जाएगी। उसको किस तरीके से किया जाएगा वो जानते हैं एक्सिस बैंक के AVP से। सर, किस तरीके से ये काम करेगा, ये जरा आप हमारे दर्शकों को यदि बता सकें तो। एक्चुअली इसमें एक VPA होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। सो
सपोज अगर मेरे को पैसे भेजने हैं सो मैं सिर्फ सेंड बटन दबाऊंगा, मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट करूंगा जहां से ट्रांजैक्शन करना है मुझे, मैं अपने बेनिफिशियरी का वर्चुअल पेमेंट एड्रेस सेलेक्ट करूंगा। सो इधर मैं एक सेलेक्ट करता हूं जैसे सुलक्षणा सिंह एट एक्सिस बैंक और अमाउंट डालूंगा, ओके करूंगा, रिमार्क्स भेजूंगा और मेरा पिन मांगेगा वो। सो आई एंटर द पिन एंड माई ट्रांजेक्शन गोज थ्रू। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ही सेकंडों में आपके जो पैसे हैं वो सामने जो वो ट्रांसफर हो जाएंगे, जो अभी जिसमें काफी समय लगता है, चाहे आप NEFT कीजिए या RTGS कीजिए, सभी में काफी समय लगता है, लेकिन UPI के जरिए ये जो पैसे UPI से बहुत ही आसानी से ट्रांजेक्शन हो सकेंगी। प्रशांत माली साइबर लॉ एक्सपर्ट भी हैं। प्रशांत ये बताइए, इसमें किसी तरीके की टेक्निकलिटीज भी आप देख रहे हैं एज अ साइबर लॉ एक्सपर्ट? चूंकि इसमें अकाउंट नंबर भी देने की जरूरत नहीं होगी, एक ही प्लेटफॉर्म पर 21 बैंक्स होंगे, आसानी से चूंकि ट्रांजेक्शन हो जाएगा, वर्चुअल एड्रेस होगा, तो आपको लगता है कि टेक्निकली कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं? देखिए, पहली तो सबसे अच्छी बात जो हुई है वो जो हम मोबाइल वैलेट जो हमारे करोड़ों रुपए अपने बैंक में रखे हुए अपने ही पैसे पे जो मजे कर रहे हैं उनसे थोड़ा हम निजात पाएंगे। लेकिन दूसरी जो चीज़ है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये आपका बैंक अकाउंट या चेकबुक जैसे बन जाएगा, उसको घुमाना एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। दूसरी बात जो है, जो ये पिन नंबर की बात, सेकेंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, अभी आप देखोगे तो NIST के जो US स्थित स्टैंडर्ड्स एजेंसी है उनके कहीं पे भी उन्होंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात नहीं की, क्योंकि जो ये पिन नंबर जो आपको SMS के माध्यम से आता है या सेकंड फैक्टर के माध्यम से आता है उसको सक्सेसफुल हैक किया गया है, ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस आए हैं। तो इसकी जो सिक्योरिटी है इसके इन पे इनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने मोबाइल कंपनियों को इसके बीच में रखा हुआ है, तो कई बार जब फ्रॉड्स हो जाते हैं तो मोबाइल कंपनी भी इसके अंदर एक पार्टी बनती है जब भी हम इन पे केसेस डालते हैं। तो क्या इन्होंने उनको भी अपना साझा भागीदार बनाया है, लायबिलिटी उनके तरफ भी जाती है, तो इंडेमनिफिकेशन कुछ हुआ है उसके खिलाफ, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्व इम्पॉर्टेंट बात जो बनती है वो है ये कस्टमर और कंज्यूमर का एजुकेशन, जो ये मोबाइल ग्राहक जो इसको यूज़ करने वाला है इसका जितना ज़्यादा ये एजुकेशन करे, इसका फैलाव करे, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर गलत चीज़ें करते हैं और उनके बदौलत कस्टमर को फ्रॉड होता है, बिकॉज जो चीज़ आसान से आप अपने काम में ला सकते हैं वो चीज़ आसानी से फ्रॉड में भी काम में ला सकते हैं। तो ये इसको नज़र रखना होगा कि फ़ोन ना घूमे, फ़ोन घूमने के बाद की इनकी प्रक्रिया और ये कैसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट बात जो है कि अगर कोई ग्रीवेंसेज आता है, कोई फ्रॉड होता है, तो ये कैसे कंज्यूमर को पैसे लौटाते हैं, कितने जल्दी लौटाते हैं, इस सब से ये जो प्रणाली है इसका सक्सेस डिपेंडेंट होगा। जी चलिए बने रहिए हमारे साथ। तरुण ये बताइए, जो एक्सपर्ट आपके साथ मौजूद है उनका क्या कहना है, सिक्योरिटी के लेकर यहाँ पर एक कंसर्न जरूर उठा है प्रशांत माली से बातचीत के दौरान, क्या उन्हें भी ऐसा लगता है और फ्रॉड की कितनी संभावना उनको लगती है इस टेक्निक में? बिल्कुल शिल्पा, मैं बताना चाहूँगा कि जो जब हमने अपने एक्सपर्ट से बात की तो उनका साफ तौर से कहना था कि काफ़ी हैंड्स प्रूफ होगा ये सिस्टम, क्योंकि काफ़ी इस जो ट्रायल है वो इस पे काफ़ी किया गया है। चाहे जब हम NPCI के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जब उनसे बात करते हैं तब भी उनका ये कहना है कि जो सिक्योरिटी वाइज इसको पूरी तरह से फुल प्रूफ करने की कोशिश की गई है, आधार कार्ड से लिंक किया गया है, तो वहाँ पर आप सीधे तौर पर ये जो नंबर है वो काफ़ी प्राइवेट नंबर हो जाएंगे, वर्चुअल एक आपका ID क्रिएट हो जाएगा, तो वो भी आपके पास किसी के पास नहीं जा पाएगा। तो लिहाजा इन सभी पहलुओं पे NPCI ने काम किया है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो फ्रॉड है इस सेगमेंट में वो कम से कम हो। जी अब प्रशांत ये बताइए कि यहाँ पर कैब ड्राइवर के पास बैंक डिटेल्स आपके नहीं जाएंगे, बैंक अकाउंट नंबर नहीं होगा, तो इससे रिस्क जो है कहीं ना कहीं कम जरूर हो जाता है? अभी फिलहाल जो हमारे पास ट्रांजेक्शन के जरिए हैं उससे अगर कंपैरिजन करें तो जरूर अभी के कंपैरिजन में डेफिनेटली ये जो फ्रॉड का रेशियो है, जो हमारी डिटेल्स ज्यादा लोगों से शेयर नहीं होंगे, तो हमारे पास जरूर हमको ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन आपको और एक चीज याद रखनी है कि ये जो ईमेल की बात कर रहे हैं जो हमारे पास रहता है, अक्सर हमारे यहाँ सोशल इंजीनियरिंग करके जो अभी भी जितने भी फ्रॉड्स नज़र आ रहे हैं बैंक में, ये ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इंजीनियरिंग के बदौलत हो रहे हैं।
वो आपका ईमेल गेस कर लेते हैं, क्योंकि हम हमारा ईमेल या पासवर्ड भी हम अपने घर के फैमिली मेंबर का रखते हैं, अपने नाम से हमारा क्रिएट करके रखते हैं। तो अगर हमने जो बाहर प्रदर्शित हमारे ईमेल आईडीज है, अगर वही ईमेल आईडी रख दिया और वही बार बार हम कहीं ना कहीं यूज़ करते रहे, तो वो मार्केट में आना या उसका डेटाबेस मार्केट में उपलब्ध होना, अगर ऐसी इस तरह का डेटाबेस उपलब्ध हो जाता है और जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इसको आसानी से तोड़ सकता है अगर हैकर, तो फिर इसमें काफ़ी सारी खामियां आ सकती हैं। तो आज अगर आप मुझे पूछेंगे तो आज ये काफ़ी अच्छी सिस्टम उभर के आई है, आगे चल के हमें देखना होगा कि ये खामियां पे ये कैसे काम करके, इन खामियों को कैसे इस पे काम करके आगे इसको सिक्योर बनाते हैं। जी, तो तरुण साफ है कि इसमें हालांकि ट्रांजैक्शन का जो जरिया है आसान हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम की तस्वीर भी बदलेगी, लोगों को आसानी भी होगी, लेकिन चैलेंजेस भी इसमें कम नहीं है। टेक्निकली जिस तरीके से प्रशांत माली बता रहे हैं तो उससे तो यही लगता है कि अभी भी फुल प्रूफ मेथड्स की इस पूरी टेक्निक में आगे जाके बहुत ज़रूरत होगी। बिल्कुल शिल्पा, जिस वर्ल्ड में इस समय हम रह रहे हैं, सब कुछ फेसबुक, ट्विटर और आपके जो सोशल साइट्स है उस पर सब कुछ अवेलेबल है, गूगल पे आपके बारे में सब कुछ अवेलेबल है, सोशल इंजीनियरिंग की जो प्रशांत माली बात कर रहे हैं वो काफ़ी एक्टिव है, तो इन सब के चलते यदि इस तरीके का यदि यूपीआई एक सेगमेंट आता है तो लिहाजा इनको भी सावधानियां बरतनी होगी, सिक्योरिटी वाइज इनको भी कंसर्न देखने होंगे। लेकिन जब ये एक मार्केट के अंदर उतरेगा, लोगों के फीडबैक आएंगे, तो उस पर भी काम आगे आने वाले समय में होगा, लिहाजा सुधार हम आने वाले समय में ज़रूर देखेंगे। लेकिन ये कहना सही होगा कि इससे एक बैंकिंग सेक्टर की एक बड़ा रिफॉर्म यहाँ पे आज PCI की तरफ से किया गया। जी, जितेंद्र गुप्ता एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं फाउंडर सिट्रस पे। जितेंद्र जी, आप UPI की इस टेक्निक को किस तरीके से देख रहे हैं और आपको लगता है कि इससे ट्रांजैक्शन सिस्टम बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है? या इन माय व्यू ये बहुत ही इनोवेटिव रिफॉर्म NPCI ने लॉन्च किया है, एंड आई पर्सनली फील कि पर्सन टू पर्सन पेमेंट सुपर सिंपल हो जाएगा। एंड जो आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप किराना स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे मशीन नहीं होता है, हाउ डू यू पे टू शॉपकीपर, आई थिंक UPI फैसिलिटी से पेमेंट एक्सचेंज करना डिजिटली विल बिकम सुपर सिंपल। सो इट इज डेफिनेटली अ बिग रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय NPCI। जी, और सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर आपको लगता है कि इसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं? आई थिंक सिक्योरिटी एज फार एज आई एम अवेयर अभी एडिक्वेट सिक्योरिटी इसमें इनबिल्ट किया है NPCI ने, और प्रोडक्ट विल इवॉल्व एज कंज्यूमर गिव फीडबैक, एज बैंक्स और पेमेंट कंपनी लाइक अस कीप गिव फीडबैक, सो दैट विल इवॉल्व ओवर टाइम, सो आई डोंट थिंक देयर इज मच टू वरी टुडे। इसमें सबसे आसान आप क्या देखते हैं, अगर मोबाइल वॉलेट से इसका कंपैरिजन किया जाए तो जितेंद्र आपको क्या लगता है कि कितनी आसानियां होगी? हालांकि मोबाइल वॉलेट में तो बार बार आपको रिचार्ज कराना पड़ता था, लेकिन इसमें इस तरीके से कोई भी झंझट वाली बात नहीं है रिचार्ज की। राइट, सो आई थिंक डेफिनेटली इन माय ओपिनियन ये जो नया मैकेनिज्म है ये मोबाइल वॉलेट से ज्यादा सिंपल है, और यहाँ पे आपको लोड पहले करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। सो डेफिनेटली अगर एक्सपीरियंस NPCI ने सिंपल रखा है तो ये प्रोडक्ट विल बी डेफिनेटली गेम चेंजर प्रोडक्ट इन इंडियन पेमेंट इकोसिस्टम। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। प्रशांत माली और तरुण शर्मा भी हमारे साथ बने हुए थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।